वायरल हुआ डाक मतपत्र के स्ट्रांग रूम का वीडियो, मच रहा हड़कंप, एक और पर गिरी गाज। बड़ी खबर इस वक्त की बालाघाट से आ रही है। निर्वाचन के बाद जो बालाघाट में हो रहा है वह प्रदेश के अन्य किसी भी जिले में नहीं हो रहा है। यह अत्यंत गंभीर मामला है, जिसकी शिकायत पर बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के रिटर्निंग ऑफिसर गोपाल सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। डिप्टी कलेक्टर राहुल नायक को बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 के प्रभारी बनाया गया। अब जानिए क्या था कारण। SDM द्वारा सही ठहराया गया, 50-50 का बंडल बनाया जा रहा था ताकि गिनती के समय कठिनाई ना हो। ये बात स्टेटमेंट के आधार पर SDM ने बताया कि गिनती नहीं बल्कि बनाए जा रहे बंडल वीडियो के वायरल होने के बाद मची हड़कंप की स्थिति। चुनाव आयोग को किया गया शिकायत, जिसके कारण त्वरित कार्यवाही करते हुए चुनाव आयोग द्वारा कार्यवाही किया गया। लेकिन चूंकि हम लोग निर्वाचन में छुट्टी को नहीं गिनते, हमारे पास डेली के जो आते हैं बंडल, हम उसको 50-50 का बना के रख लें, क्योंकि पूरे गट्ठे खुले हुए थे यहाँ पर, पूरे हमारे सामने लोगों ने भी वहाँ पर व्यवस्थित किए, उसको होंगे होंगे होंगे, मैं उस बात को मानता हूँ। कारण क्या, वो 50-50 के अगर बंडल बनाने तो हमको बनाना तो पड़ेगा ना, निकालना तो पड़ेगा, हम बनाएंगे कैसे बंडल, हिसाब हमको भी तो वहाँ देना पड़ेगा, आपको भी दे रहे हैं, मैं उनको श्याम को दे रहा हूँ, बीजेपी वालों को भी दे रहे हैं, सबको हम दे रहे हैं। और कहीं कोई ऐसा टेम्परिंग वाला मामला नहीं है कि आप देख लो कि कहीं कोई टेम्परिंग हो रही हो। और 50-50 का बंडल बना बना के, अच्छा आपके आदमी है कि नहीं है यहाँ बताइए, आदमी है बैठा है सीधी सी बात है, अगर आपके आदमी ना हो तो बिल्कुल ये खोलेंगे नहीं। इनको निर्देश है कि जब तक राजनीतिक दल के व्यक्ति ना आ जाए कोई ना खोलेंगे। अब चूंकि अभ्यर्थी है तो